प्रदेश है। नया प्रदेश है तेलंगाना। ये आसानी से नहीं बना। इस प्रदेश को बनाने के लिए तेलंगाना के युवाओं ने, तेलंगाना के माता ने अपना खून, अपने आंसू दिए थे। और ये प्रदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना था, ये एक सपना था, तेलंगाना के जनता का सपना था। 8 साल हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना का जो सपना था, प्रगति का सपना, उस सपने का क्या हुआ? पूरा तेलंगाना देख सकता है कि एक परिवार को जबरदस्त फायदा हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना की जनता को क्या फायदा मिला? के लिए आपने अपना खून, अपने आंसू दिए, आप लड़े, मगर हम भी आपके साथ खड़े थे। कांग्रेस पार्टी ने भी आपके साथ ये लड़ाई लड़ी और अंत में कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया गांधी जी ने यह काम पूरा करके तेलंगाना की जनता को दिया। और भाइयों और बहनों, आप ये मत भूलिए, ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं था। कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, हमें मालूम था कि हमें नुकसान होने जा रहा है, मगर हम तेलंगाना की जनता के साथ खड़े हुए और हमने मिलकर, आपके साथ मिलकर आपको नया प्रदेश दिया कि तेलंगाना की जनता की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, मजदूरों की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी। पता लगा जनता की सरकार नहीं बनी। आज तेलंगाना में मंत्री जनता की आवाज को सुनता है, राजा जनता की आवाज को नहीं सुनता है। राजा जो करना चाहता है वो कर डालता है। हमारी सरकार है, चुनाव के समय हमने 2 वायदे किए थे, बड़े वायदे किए थे। पहला वायदा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का हम कर्जा माफ करके दिखा देंगे कि हमें कर्जा माफी की जरूरत है और हमें 2500 रुपए आप दीजिए। हमने उनकी आवाज सुनी और आज आप जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए और वहां पूछिए धान के लिए क्या दाम मिलता है। पूरा छत्तीसगढ़ का किसान आपको बताएगा कि सुनते हैं, उनके लिए काम करते हैं, मगर किसानों की आवाज नहीं सुनते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के किसान ने कहा था वही तेलंगाना का किसान कह रहा है। तेलंगाना का किसान कह रहा है कि मिर्ची के लिए, धान के लिए हमें सही दाम चाहिए और हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। सरकार बनेगी, वैसे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा और आपको सही एमएसपी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको ज्यादा समय रुकने की जरूरत नहीं है। आप घबराइए मत, डरिए मत, ये काम कुछ ही महीने में कांग्रेस पार्टी करके आपको दे देगी। मैंने पहले आपसे सवाल पूछा था कि तेलंगाना के साथ धोखा किसने किया। तेलंगाना का जो सपना था,
उससे किसने धोखा किया? तेलंगाना से हजारों करोड़ रुपए किसने चोरी किए? उस व्यक्ति का नाम क्या है? नहीं सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए, क्या नाम है उसका? तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, और कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह समझे, जिस व्यक्ति ने तेलंगाना के साथ धोखा किया है, जिस व्यक्ति ने तेलंगाना से चोरी की है, जिस व्यक्ति ने तेलंगाना के सपने को नष्ट किया है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं होगा। हम यहां हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम राजा से समझौता नहीं करेंगे। हम टीआरएस को चुनाव में हराएंगे, टीआरएस को चुनाव में हराएंगे और सीधी कांग्रेस पार्टी और टीआरएस की लड़ाई होगी। और एक बात और याद रखिए, जिस व्यक्ति ने तेलंगाना के सपने को नष्ट किया और तेलंगाना के किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से लाखों करोड़ रुपए चोरी किए, उसको हम माफ नहीं करने वाले हैं। और ये सब नेताओं को अच्छी तरह बात सुननी चाहिए, जब चुनाव के समय टिकट की बात उठेगी तो जिस व्यक्ति ने जनता की लड़ाई लड़ी होगी उसी को मेरिट बेस्ड बेसिस पे टिकट मिलेगा। चाहे आप कितने भी बड़े हो, आप कोई भी हो, अगर आप किसानों के साथ नहीं खड़े थे, अगर आप गरीबों के साथ नहीं खड़े थे, तो आपको कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिलने वाला है। तो जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी आप मुझे बुलाना चाहते हो, जहां भी मैं तेलंगाना की मदद कर सकता हूं, मैं करने को तैयार हूं। यह सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ तेलंगाना के किसानों की, युवाओं की लड़ाई नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है और यह मेरी लड़ाई है। किसानों को भरोसा देने के लिए थी, वरंगल डिक्लेरेशन के लिए थी। हम चाहते थे कि तेलंगाना के किसानों को मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी एक साथ उनके साथ खड़ी है और उनकी पूरी मदद करने जा रही है। 10% रिजर्वेशन की जो लड़ाई है उसमें हम उनकी पूरी मदद करने जा रहे हैं। तेलंगाना बनने के बाद आपने टीआरएस को 2 बार मौका दिया और टीआरएस ने तेलंगाना के जनता को धोखा दिया। अब आप कांग्रेस पार्टी को एक मौका दीजिए और किसानों की, गरीबों की सरकार हमें बनाने दीजिए। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా వరంగల్ దర్శన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే బెల్ని నొక్కండి. మా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ మొబైల్లో వస్తాయి. అలాగే మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నచ్చకపోతే కామెంట్ చేయండి.